हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब कोई अच्छे से होगे और हम भी यहाँ पे अच्छे से ही हैं। अभी सुबह के 9:30, हाँ 9:30 बजा है। हर्ष का क्लास चल रहा है अभी, सो इसलिए मैं जान रही हूँ। घर देखिए पूरा गंदा पड़ा है। मैं तो अभी आधा घंटा हुआ उठी हूँ, जस्ट थोड़ा सा फ्रेश होके थोड़ा सा बाल कोम की हूँ और चाय पी हूँ। तो सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा बाहर जाऊँ, क्योंकि कुछ राशन वगैरह भी नहीं है। चिकन वगैरह, मैगी टेडी का भी चिकन नहीं है, हम लोग का भी चिकन नहीं है। सो बाहर को अभी थोड़ा जाऊँ तो रेडी होती हूँ, फिर मैं बाहर जाने के लिए फिर चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ तो अभी हम लोग जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ोन नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पे पूरा बंद है। नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि इतना सारा चीज़ भी पकड़ूंगी और सब चीज़ लाना भी है, सो मैं कर पाऊँगी या नहीं वीडियो। लेकिन तो आप लोग क्या बोल रहे हैं तो देखती हूँ, फ़ोन लेके जा रही हूँ, पॉसिबल होगा तो वीडियो बनाऊंगी। तो निकलती हूँ फिर। रास्ते से जा रहे हैं, सब दुकान मतलब सब तरफ बंद है, तो हम लोग पीछे की तरफ से जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाने आते थे, बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम लोग यहाँ से पूरा सीधा सरवाल में निकलेंगे हम लोग। चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ से पैसा उठाए हैं आईडीआई बैंक से, और हम लोग अभी जा रहे हैं मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, और चाहिए वो सब लेने के लिए, चिकन वगैरह लेने के लिए आऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हर्ष का हेयर कट, न्यू हेयर कट, बहुत ही सुंदर काटा है आज। शायद पहली बार मैं इतना अच्छा, मुझे मतलब मन को शांति मिला कि बहुत अच्छा हेयर कट हुआ है इसका। वो जो पार्लर में काटता है, जो जहाँ पे वो काटता है हर दिन, तो वहाँ पे क्या होता है ना, मतलब वहाँ पे हम लोग गए थे तो बहुत ही लोग भीड़ था। तो मैं सोची कि नहीं, हम लोग धूप में निकले हैं और बहुत देर हो जाएगा घर जाते जाते, सो यहीं पे काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काटते हैं फ्रेंड्स। तो ये मनमोहन फील्ड के पास एक ठो है ना, वहाँ पे है ये जगह। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ज़रूर आइए, अगर आप मतलब झारसुगुड़ा में रहते हो, यहाँ पे एक बार ज़रूर आके हेयर कट कीजिए। बहुत ही अच्छा हेयर कट किया है हर्ष का, और हर्ष भी बहुत खुश है। एक बार तो हर्ष मुझसे दो दिन बात नहीं किया था हेयर कट के लिए, तो इस बार बहुत ही अच्छा हेयर कट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका हेयर कट। तो देखिए फिर कैसे काटा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हर्ष यहाँ पे मतलब गाड़ी को उधर टर्न कर दे रहा है, जैसे कि हम लोग मतलब मैं बोली ना चारों तरफ बंद है, तो घर जाने का रास्ता है, तो वो सोचा कि हम लोग घर इस तरफ से जाएंगे। तो मैं हर्ष को पूछ रही हूँ कि क्या लोग तो पीछे के रास्ते से आए तो उधर चलो, तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। पहुंची हूँ तो अभी बज गया है 12:55। सोचो इतना देर से हम लोग अभी बाहर से चिकन वगैरह सब लेके आई हूँ, आपकी खाना बनाऊंगी। सो मैं पहले सोच रही हूँ ड्रेस तो चेंज कर लूँ, सोच क्या रही हूँ ड्रेस तो चेंज करना पड़ेगा, तो मैं शावर ले लूँ और नाइटी पहन लूँ। बहुत ही गर्मी है फ्रेंड्स, देखिए मेरा पसीना छूट रहा है पूरा। तो नहाने के लिए तो अभी शायद टाइम नहीं है, तो मैंने हाथ वाथ सब सैनिटाइज कर लिया, खुद के ऊपर सैनिटाइज ये कर दिया, स्प्रे कर दिया है। तो सोच रही हूँ अभी नाइटी पहन लूँ, तो चलिए फिर मैं चेंज करके आती हूँ। फ्रेंड्स पूरे 2 बज चुके हैं और देखिए मैं नहा ही नहीं हूँ, सब बर्तन वगैरह धो के पहले किचन को थोड़ा सा साफ कर दी हूँ, और अभी और 2-4 बर्तन सिर्फ पड़े हुए हैं। तो आज हर्ष झाड़ू लगा रहा है, देखिए
मेरा मदद कर रहा है वो। हर्ष तो इसका तो हेयर कट मैं आपको दिखा रही हूँ आपको, देखिए उसका नया हेयर स्टाइल ये देखा, तो बहुत ही अच्छा काटा है देखो बाबा। तो बढ़िया काटा है, तो वही बोला कि मामा आप जल्दी जल्दी सब करो, मैं भी इधर आपका मदद कर दे रहा हूँ। सो सब झाड़ू कर रहा है और देखिए मैगी टेडी का कितना बाल निकल रहा है, तो उन लोग के लिए भी मेडिसिन लेके आई हूँ। ये मैगी मेरा बैठा हुआ है, तो ये बाल झड़ने के लिए जो मेडिसिन है वो ये पहले ना D52 खिला के फिर इसको मैं क्या करूँगी, जो बॉम का जो होता है ना मेडिसिन, तो वो दूंगी, फिर जाके इसका थोड़ा बाल वाल सब कम होगा। मैगी डैडी का दोनों का बहुत बाल झड़ रहा है, सो दे आप तो देख सकते हो कितना बाल निकल रहा है। तो हर पूरा घर झाड़ू कर रहा है, जैसा करने तो करने दो, थोड़ा तो हेल्प करना सीखना चाहिए, बड़ा हो रहा है ना। तो अभी मैं यहाँ पे जल्दी से 2 बज रहा है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ये चिकन वगैरह धो के रख दी हूँ, और ये मसाला वगैरह है, और ये प्याज टमाटर आलू मिर्चा अदरक लहसुन का पेस्ट गरम मसाला मीट मसाला, और ये मैगी टेडी का खाना भी बन चुका है, आगे मैं बना चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स मैं तो ये सब बना के फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं आपको जो बिरयानी का रेसिपी दिखा चुकी हूँ, सो बार बार नहीं दिखाऊंगी, बेकार से टाइम वेस्ट, तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा बार बार देखने के लिए, सो इसलिए मैं करके आ रही हूँ, अच्छे बात कर रही हूँ। खाना वाना सब खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि सुबह थोड़ा बाहर चले गए थे, तो थोड़ा ये भी लग रहा था, टायर्ड भी लग रहा था। मेरा बाल देखे, ये अगर 3-4 दिन 5 दिन में बाल नहीं धोती हूँ ना, तो देखिए कैसे ऑयली, पूरा ऑयली हो जाता है, जैसे लग रहा है मैं तेल लगाई, लेकिन तेल वेल कुछ नहीं लगाई, मुझे पसंद ही नहीं है। सो ये पूरा शाम हो गई है, बढ़िया मौसम किया है, बारिश का मौसम। आप लोग सोच रहे होंगे मेरा आँख कैसा घुस गया है कैसा, मैं बहुत बीमार थी ना, बीच में बुखार वगैरह हो गया था, सो इसलिए आँख कैसे दो घुस गया और पूरा काला हो गया है, पर कैमरा में भी दिख रहा है अच्छे से। तो ये मेरा गार्डन कैसा हो गया है। सो फ्रेंड्स अभी रात को क्या बनाऊंगी क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है, वही जो बिरयानी बनाई थी शायद वही हम लोग दोनों खा लेंगे अगर दोनों को हो जाता है। अभी चाय बना के थोड़ा बिस्किट के साथ चाय खा लूँगी, और हर्ष को भी थोड़ा दूध और बिस्किट दे दूँगी, वो पढ़ने गया है, वो भी थोड़ा सा आज बहुत दिन के बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं ना। पहले क्या होता था कि जैसे आदत था, वो स्कूल जाता था, फिर आता था ट्यूशन जाता था, फिर कुछ एक्टिविटीज सब करता था, सो बाहर का आदत था, और उसको टायर्ड भी नहीं लगता था, हाँ थोड़ा थोड़ा टायर्ड भी लगता था, सो वो चीज़ का आदत था। तो अभी आदत क्या है, पूरा घर में बैठो खाओ पियो, घर में बैठो खाओ पियो, घर में बैठो, बाहर तक नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा भी अभी इतना मतलब आदत ये हो गया ना, जैसे आज हम लोग बाहर गए, वो गाड़ी चला रहा था, सो हम लोग इतना थक जाते हैं ना कि क्या बोलूँ, मतलब जैसे लगता है कि इतना काम किए हम लोग, इतना टायर्ड लग रहा है जैसा उस टाइप का। तो खाना वाना बनाने के लिए तो मन नहीं था, इसलिए मैंने बिरयानी बना लिया। तो अभी सोच रही हूँ, मुझे तो नींद नहीं आया, बट ऐसे ही थोड़ा सा लेट के थी, तो ये मैगी टेडी, तो 2-4 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता हो गया कि मेरी मेड नहीं आ रही है, और सब काम मुझे करना पड़ रहा है। तो वही अभी वो फ़ोन की तो मैं उठी, और वही फ़ोन कर रही थी कि कल से आऊँगी, तो मैंने बोला हाँ आ जा, क्योंकि बहुत काम है और मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, और शाम के टाइम में झाड़ू पोछा ये सब कर रही हूँ, झाड़ू तो कर लेती हूँ सुबह, लेकिन पोछा शाम को लगा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे हर काम अकेले करने के लिए, वो आती है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है मेरा, सो इसलिए तो मैंने उसको बोला कि तू आ जाना यार बहुत, लेकिन उसका नागा है मतलब बहुत एब्सेंट है, तो इसलिए उसको बोला एब्सेंट मत करना,
तू आ जाना यार। तो वही है, तो चलिए थोड़ा चाय बना लेते हैं पहले। तो आज तो कुछ ज़्यादा नहीं आपको वीडियो दिखा पाई, और मैं तो बोली हूँ ना कि बहुत मतलब छोटा छोटा वीडियोस बनाऊँगी, अभी बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो अब ये देखिए मेरा फ्रिज, मेड नहीं आ रही है ना, ये टमाटर धो के उस दिन से ऐसे ही पड़े हैं, कढ़ाई के साथ एक साथ घुसा दी हूँ सब्जी। कल रात को बहुत झाल हो गया था, इतना झाल सब्जी में हम लोग बिल्कुल नहीं खा पाए। लौकी का सब्जी बनाई थी, वो भी ऐसे पड़ा है, केसर ऑयल में पड़ा है, ये दूध है, ये केसर ऑयल आटा है, सब वैसे ही पड़ा है। और जब मेड आती है ना तब अच्छे से रख के जाती है, तो कितना करोगे घर झाड़ू का काम, मैगी टेडी का काम, फिर बर्तन धोना, कपड़ा धोना, सब कुछ है उसमें, खाना वाना सब कुछ है। सो इसीलिए मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। तो अभी चाय बना लेते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि और ज़्यादा लंबा खींचूंगी तो फिर आप लोग बोलोगे इतना लंबा खींचेगा। तो फ्रेंड्स अभी चाय बिठा दी हूँ, और मच्छी लोगों को देखिए अभी इनका खाना दी हूँ शाम को, और ये एक तो क्रोकोडाइल है, तो अभी मैं कच्छू को खाना दूंगी। तो यहाँ पे हर्ष बैठ के क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हो बाबा? हाँ? क्या कर रहे हो? अरे आपका चैनल तो मतलब तो वो क्या कंप्यूटर में सब कर रहा है, और यहाँ पे है मेरा कच्छू। कच्छू को शाम का खाना अभी नहीं मिला है, तो कच्छू को शाम का खाना देना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा कच्छू। तो ये देखिए कैसे खाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये जो मैंने बड़ा एक्वेरियम ऐसे बनाया है ना, इतना मदद कर रहा है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत स्पेस पा रहा है वो खेलने के लिए भी, आराम से खा रहा है। तो चलिए फिर इन लोग को यहीं पे छोड़ दीजिए। बाबा जाओ छी, तो यहीं पे छोड़ दीजिए। मैगी कैसे बैठा देखिए, और इसका खाना को वहीं रख दे, खत्म हो गया है ये। मैं कछुआ को देती हूँ खाने के लिए, मैं कछुआ फूड है इसको, अभी यहाँ रख देती हूँ। तो वही हम लोग देख रहे हैं, तो हर्ष यहाँ पे काम कर रहा है, मैं भी यहीं पे अपना चाय ले आई हूँ हर्ष के रूम में। तो हमेशा बालकनी में अच्छा नहीं लगता है अकेले, सो आज हर्ष यहाँ पे कुछ कर रहा है, वही मेरे यूट्यूब चैनल के लिए ही। तो वहाँ से कनेक्ट कर देगा तो मुझे एडिटिंग वगैरह में थोड़ा सा ये लगेगा, मतलब इजी होगा। सो इसको यहाँ रख दूँ को, तो वो भी मेरा एडिटिंग वगैरह कर सकता है, जैसे कि मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ तो बहुत बहुत दिन के बाद वीडियो जाता है, सो तो उसको भी सिखा दूँगी तो वो भी कर सकता है एडिटिंग। तो रोज़ रोज़ वीडियो कर लूँगी, वो एडिटिंग करके छोड़ देगा, सो इसलिए मैं उसको थोड़ा सही कर रही हूँ। तो वो काम कर रहा है, और ये रूम देखिए कैसा पड़ा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरी मेड एक दो हफ्ते से नहीं आ रही है, तो बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम, और ऊपर से मेरा हालत क्या है हो गया देखते हैं आप तो घूस के। सो तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ भी ये लगा हो, और मेरे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो हर्ष बाय कर दो, बाय। बहुत ही अच्छा काटा है, मैं बहुत खुश हूँ, हर्ष भी आज इस बार बहुत खुश है,
और नेक्स्ट टाइम आपको याद है ना, 2 दिन रोया था जो 2 दिन बात नहीं किया था, इस बार तो मैं रहती हूँ फिर, बाय।